ये वाला बहुत उड़ रहा था क्या? बहुत उड़ रहा था ये सारे में जहाँ दाने गिर गए। ये देखो गाइस, तीनों कबूतर आ गए और तीनों वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका नाम है सिम्बा और मैं अभी ऊपर गया था टेरेस पे, तो मुझे इसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही थी। बढ़िया वगैरह तोड़ कर ले जाती है और थोड़े बहुत ही मिलते हैं हम लोगों को इसकी तरह। वो तो थोड़े दिन में पूरा एक नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा, है ना? और यहाँ भी एक लग गया है हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गया हूँ और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है बाहर। और कल हमारे पिजन्स उड़ गए थे और पूरे दिन वो आए नहीं थे, तो अभी मैं ऊपर जाकर चेक करने वाला था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज नेक्स्ट डे है और मैं अभी अपने बेटा को बाहर रख रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा इन्जॉय करने देते हैं बारिश को, ठीक है? तो अभी जैसे ही बारिश रुकेगी हम कोशिश करेंगे ऊपर जाकर पिजन्स को चेक करने की। और अभी इन लोगों ने अभी तक कोई साइन नहीं दिया है ब्रीडिंग का। मैंने बॉक्स लगाकर आई थिंक 2-3 दिन हो गए हैं और ये लोग अंदर भी नहीं जा रहे हैं। शायद इन लोगों को डर लग रहा है, इसीलिए मैंने बीच का जो लिड है वो निकाल दिया है। तो अभी ये एक्सीडेंटली अंदर चले गया था, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। होपफुली देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद ही अंदर जाने लग जाए। ये देखो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं आया हूँ और अभी ये हमारा जो सेमी है मुझे उड़ते हुए दिखाई दिया है, और इसके साथ जलाली भी इनके बाद मैंने उड़ाया था, तो अभी खाली सेमी आ रहा है उड़ के। तो ये लोग की पहली उड़ान है, दिल खोल के उड़ रहा है ये। ये देखो, ये रहा सेमी सेमी और जलाली अभी इसी के साथ उड़ रहा था थोड़ी देर पहले। ये लोग क्या है, ज़्यादा ऊंचे राउंड नहीं मार रहे, लोग लंबे लंबे राउंड और नीचे नीचे उड़ रहे हैं, ठीक है? जलाली यहीं कहीं बैठ गया, अभी अभी उड़ रहा था इसी के साथ, अभी बस ये थोड़ी देर में उतर जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के नींबू के पेड़ का पहला नींबू हमारे हाथ में आ गया है, और ये थोड़ा अभी भी हरा था लेकिन हम लोगों ने तोड़ लिया है, क्योंकि और भी इस पे नींबू लगे हुए हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ लेते हैं तो वो थोड़े जल्दी स्पीड हो जाएगी उनके बढ़ने की, ठीक है? इसको कम से कम 4 महीना लगता है एक फूल को नींबू बनने में, और कम से कम ये साइज़ पकड़ने में। अभी मम्मी नीचे का देखो खरबूजा दिखा रहे, ये देखो हमारा खरबूजा कितना बड़ा हो गया है। बस बस बस, ये तो थोड़े दिन में पूरा एक नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा, है ना? और अच्छा यहाँ भी एक लग गया है खरबूजा, ये देखो। और ये वाला तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, ये तो फुल साइज़ हो गया है ना। यहाँ भी नींबू का गुच्छा लगा हुआ है, खींच मत खींच मत। देखो यहाँ पर देखो, दो नींबू एक साथ लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर कुछ छोटे मोटे भी लगे हुए हैं। ये देखो ये रहे, ये वाले काफ़ी तो गिर जाते हैं, चिड़िया वगैरह तोड़ कर ले जाती है, और थोड़े बहुत ही मिलते हैं हम लोगों को इसकी तरह, ठीक है? गाइस देखो, ये हमारा बच्चा है कबूतर का, इसका नाम है सिम्बा। और मैं अभी ऊपर गया था टेरेस पे, तो मुझे इसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही थी, शायद 2 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, इसीलिए ये मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, तो इसलिए मैं इसको लेकर आ गया इस डब्बे में डाल के नीचे, ठीक है ना? तो अभी मैं इसको इस डब्बे में नहीं रखने वाला हूँ, हम लोग इसको इस केज में शिफ्ट कर देंगे और फिर इसको घर के अंदर रख लेंगे, ठीक है? तो बाहर तो हवा चल रही है काफ़ी, इसको अंदर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी तो मैंने इसको इस केज में शिफ्ट कर दिया है, अब ये थोड़े दिन 2-4 दिन मेरे पास ही रहेगा मेरे रूम में, ठीक है? जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे इसको थोड़ी गर्मी मिलेगी। देखो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और अभी ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सुबह के टाइम पे जब मैं इसको लेकर आया था तो ये मुंह खोलकर सांस ले रहा था, उसके बाद मैंने इसको टैबलेट दी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको ले गया था ऊपर इसके मम्मी पापा के पास, उन लोगों ने इसको फीड करवाया और फिर मैं वापस लेकर आ गया इसको नीचे, और अभी वापस से मैंने इसको टैबलेट दे दी है, ठीक है? तो ये पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। तो शाम के 6:30 बजे हैं और एक कबूतर अभी भी हमारा उड़ रहा है, एक वहाँ पर बैठ गया है टेरेस पे और अभी ये भी उतर रहा है।
ये देखो गाइस तीनों कबूतर आ गए और तीनों बैठे हुए हैं सामने वाले बिल्डिंग की टेरेस पे। मैं नाश्ता करने गया था, उसके बाद में बारिश जैसा पूरा क्लाइमेट हो गया था और ये देखो हमारे जो कबूतर है वो आ गए उड़ के। और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, नाश्ता करके मैं एक बार आया था, मैंने चेक किया था, लेकिन ये जलाली और जो सैमी है वो दोनों आए नहीं थे और अभी ये लोग आ गए उड़ के। ठीक है, कोहिनूर ऐसे ही उड़ के बैठा है, बाकी ये तीनों चले गए थे। मुझे तो लगा तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, लेकिन देखो तीनों वापस आ गए हमारे कबूतर। और ये वाला बहुत उड़ रहा था क्या? तो अभी मैं तो चले गया था नाश्ता करने के लिए, मम्मी बता रहे कि ये पूरे बड़े बड़े चक्कर मार रहा था और मतलब मुझे 90% भरोसा था कि ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने होप छोड़ दी थी क्योंकि नए बच्चे जब उड़ते हैं ना वो आते नहीं हैं। और यहाँ पे फाइनली हमारे तीनों कबूतर उड़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सैम ही उड़ गया था और उसके बाद में सैम भी उसके पीछे उड़ गया था और दोनों यहाँ वहाँ यहाँ पर तकरीबन 6-7 चक्कर इन लोगों ने मारे और फिर बाद में दोनों अलग हो गए थे। तो सैम ये उस साइड चले गया था और गायब हो गया था और अभी अभी ये आया है। और उसके बाद इन दोनों के उड़ने के बाद मैंने जलाली को भी ऊपर फेंका था, तो जलाली यहाँ वहाँ बहुत चक्कर मारे इसने बहुत अच्छा मतलब काम किया, ये बहुत उड़ा और फिर ये कहीं पर जाकर बैठ गया था। अब ये भी आ गया है और अभी इन दोनों के बाद में अब सैम अभी अभी उतरा है। ठीक है, अब ये लोग नेक्स्ट टाइम जब उड़ेंगे तो साथ में उड़ेंगे क्योंकि इनको यहाँ का थोड़ा बहुत जो लोकेशन है वो मालूम पड़ गया है। हमारे कबूतर भी आ गए हैं गाइस और बस अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।